टू पीएस कॉर्नर और मैं हूँ शिखा गुप्ता। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में। और जैसा कि अगर आपने एग्जाम के इन दिनों रीसेंट पेपर्स देखे होंगे तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस सेक्शन से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आ रहे हैं राजस्थान की जलवायु से संबंधित। ठीक है, कई स्टूडेंट्स के मेरे पास जो है टेक्स्ट आते हैं कि मैम राजस्थान की जलवायु सिलेबस में दे रखी है तो इसके अंदर जलवायु प्रदेश पढ़ने हैं क्या? अरे डेफिनेटली पढ़ने हैं। जलवायु जहां दे रखी है तो जलवायु से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली उस सिलेबस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, और फिर वहां से अगर हम जलवायु से देखें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन राजस्थान के पेपर में नहीं बनते। एक ये जरूर सेक्शन है जलवायु प्रदेश जो थोड़ा टेक्निकल रहता है, ना तो स्टूडेंट्स को समझ में आता है ना जनरली कई बार क्लास में भी नहीं पढ़ाया जाता है, तो ये थोड़ा एक वीक पोर्शन रह जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इस क्लास में, इस लेक्चर में आपको वो सारे एस्पेक्ट्स इस टॉपिक के बता सकूं जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं और जहां पे उन क्वेश्चंस को घुमाया जाता है, ट्रिकी बनाया जाता है कि जनरली स्टूडेंट्स को नेगेटिव मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में सारी चीजें कवर करेंगे। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है दोस्तों तो जरूर से इनको लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबा के रखें जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं जलवायु प्रदेश और सबसे पहले हम मौसम विभाग का जलवायु प्रदेश का जो वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे ऑब्वियसली। और यहाँ से भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप होती है कि राजस्थान में किस तरह का क्लाइमेट है, जलवायु है वो पाई जाती है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो वर्षा है वो बेसिकली दक्षिणी पूर्वी भाग से लेकर उत्तर पश्चिमी भाग की ओर घटती जाती है। वर्षा का पैटर्न देखें तो दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा घटती जाती है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश अगर हम देखें तो भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण हमने कैसे किया था, हमने बनाई थी अरावली का पश्चिमी क्षेत्र हमने बोला था मरुस्थलीय प्रदेश, और अरावली को मरुस्थलीय प्रदेश से अलग कौन कर रहा था, 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा यानी आइसो हाइट। ठीक है, फिर हमने देखा था मरुस्थलीय प्रदेश को भी दो भागों में बांटा था, एक तो शुष्क और एक अर्ध शुष्क, और उन दोनों को कौन अलग कर रहा था, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। ठीक है, फिर हमने देखा था ये हो गई अरावली, फिर पूर्वी मैदान और ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अगर आपको भौतिक प्रदेश अच्छे से समझ में आ चुके हैं जो कि हम पहले ही कवर कर चुके हैं तो आगे इस चैप्टर में आपको इन जनरल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश बने हुए हैं वो एक प्रकार से जलवायु प्रदेश ही हैं। क्योंकि देखो समवर्षा रेखाओं का हमने इस्तेमाल किया है भौतिक प्रदेश को डिफाइन करने के लिए, और अगर हम जलवायु की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, तो उसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कारक क्या होते हैं, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, यही तो होते हैं। तो वर्षा जो है वो पहले ही हम भौतिक प्रदेशों में पढ़ चुके हैं तो वो भी यही पढ़नी है। तो ऑलमोस्ट जो भौतिक प्रदेश है वही जलवायु प्रदेश भी है। तो आइए इसको समझते हैं हम अच्छे से यहाँ पर। तो ये हम जो है मैं मैप लेकर आई हूँ प्रॉपर, जिससे आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आए। तो हम बात करें सबसे पहले शुष्क जलवायु प्रदेश की, यानी कि जो सबसे पश्चिमी भाग है राजस्थान का। शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो ये राजस्थान का शुष्क जलवायु प्रदेश है। ठीक है, जहां पे हमने देखा था जिसे हम राजस्थान में शुष्क रेतीला मैदान भौतिक प्रदेशों में बोल रहे थे वही क्या है, शुष्क जलवायु प्रदेश है। यहाँ की हम बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है और वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों को कौन विभाजित कर रहा था, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, यानी 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है इसके पश्चिम में वर्षा कितनी हो रही है, 25 सेंटीमीटर से कम, इसके पूर्व में वर्षा कितनी हो रही है, 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया शुष्क प्रदेश जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ वर्षा कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर से कम होगी। इस प्रदेश में उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ बालू मृदा पाई जाती है, बालू मृदा जल्दी ठंडी जल्दी गर्म हो जाती है। तो गर्मियां है, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। या हम बात करें दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, रात में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। तो पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर की अगर हम बात करें
तो यहीं पर मिलता है उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और सर्दियों में तापमान देखो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, कितना ज्यादा अंतर है, लगभग कितने दिन 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर यहाँ पे आ रहा है। इस प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आ रहे हैं, लगभग देखो जैसलमेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग, बाड़मेर का उत्तर पश्चिमी भाग, बीकानेर और गंगानगर का पश्चिमी भाग यहाँ पर शामिल है। आप देख सकते हो लगभग जैसलमेर तो पूरा आ रहा है, बाड़मेर का सिर्फ उत्तर पश्चिमी भाग आ रहा है, बीकानेर का पश्चिमी भाग आ रहा है, गंगानगर का पश्चिमी भाग आ रहा है और जोधपुर का पश्चिमी भाग आ रहा है। तो ये जिले जो है इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में जिले पूछ लेते हैं कौन कौन से जिले हैं, तो हम उनको इसीलिए मैप में देख रहे हैं जिससे एक जनरल पिक्चर दिमाग में बनी रहे। गर्मियों की बात करें तो यहाँ आंधियां और लू चलती हैं और यहाँ पे जो है वनस्पति का अभाव पाया जाता है क्योंकि रेगिस्तानी है। यहाँ पे अगर हम वनस्पति की बात भी करें तो यहाँ पर जनरली मरुद्भिद वनस्पति मिलती है जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ज़ेरोफाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर वनस्पति का लगभग अभाव है और यहाँ पर कुछ मात्रा में क्या मिलती है, कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। तो ये जो जलवायु प्रदेश है वो बेसिकली क्या है, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, वनस्पति नहीं है, दैनिक तापांतर बहुत ज्यादा है, वार्षिक तापांतर बहुत ज्यादा है, है ना। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो लू और आंधी चलती है, वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम है। अगला जलवायु प्रदेश कौन सा हो गया, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, सेमी एरिड, और हम इसकी बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में स्थित है। ये है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, ये है 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, तो इन दोनों के बीच में स्थित है। तो यहाँ औसत वर्षा कितनी होगी, 25 से 50 सेंटीमीटर की औसत वर्षा यहाँ पाई जाती है। अरावली के एकदम सटे हुए पश्चिमी भाग में ये स्थित है। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा तो पेड़ पौधे नहीं मिलते लेकिन कांटेदार झाड़ियों के साथ घास की प्रधानता पाई जाती है। यही वजह है कि इसको हम स्टेपी प्रदेश भी कहते हैं। स्टेपी का मतलब क्या होता है, घास के मैदान, जो कि शीतोष्ण कटिबंध में स्थित हो। तो राजस्थान का ये वाला हिस्सा यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा के ऊपर वाला हिस्सा किसमें स्थित है, शीतोष्ण कटिबंध में, टेम्परेट जोन में स्थित है, है ना। और यहाँ पे जो घास के मैदान है ये क्या कहलाते हैं, शेखावाटी में इनको कहा जाता है बीड़। ये अपन पिछले लेक्चर में सारी चीजें, मतलब पिछली जो अपन ने भौतिक प्रदेश पढ़े थे उसमें मैंने आपको सारी चीजें एक एक करके बताई हैं कि यहाँ जो घास के मैदान है उन्हें शेखावाटी में स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं, तो पूर्वी श्रीगंगानगर, पश्चिमी श्रीगंगानगर कहाँ चला गया था, शुष्क में, तो पूर्वी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और चूरू, ठीक है, ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं मेनली। और नीचे की बात करें थोड़ा सा, तो जो हमने ये पढ़े थे घग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूनी जवाई बेसिन, वो पूरा लगभग इसी के अंतर्गत आता है। तो यानी सीकर, झुंझुनू भी आ गए, नागौर आ गया, जालौर आ गया, पाली आ गया, ये सारे जिले भी इसके अंतर्गत आते हैं। लगभग इनका पश्चिमी जिला आता है, क्योंकि पश्चिमी भाग क्यों आता है, क्योंकि पूर्वी भाग बिल्कुल अरावली से सटा हुआ है। जैसे पाली की हम बात करें तो पाली में अरावली के कई दर्रे स्थित हैं, है ना, जैसे बर दर्रा, ये सारे दर्रे अगर शामिल हैं तो मतलब अरावली का हिस्सा भी लग रहा है पाली में। तो पाली मरुस्थलीय जिला माना जाता है लेकिन इसका पूर्वी हिस्सा कहीं कहीं अरावली से जुड़ा हुआ है। तो हम इन सारे जिलों के पश्चिमी भाग ले रहे हैं। वैसे भी 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है ये हम क्या बोलते हैं, कहाँ पर स्थित है, 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा स्थित है अरावली के पश्चिमी ढाल पर, पश्चिमी ढाल पर स्थित है। तो लगभग ढाल से हम उतर रहे हैं तो उतरते उतरते ही अर्ध शुष्क मैदान जो है शुरू हो जाता है। तो ये जो सारे जिले हैं जैसे पाली हो गया, जालौर हो गया, इधर ऊपर नागौर आ गया, सीकर, झुंझुनू आ गए, इनका पश्चिमी हिस्सा अर्ध शुष्क मैदान में लगता है। जैसे सीकर में हम देखेंगे कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ स्थित है, ठीक है। तो वो कैसे पहुंची सीकर में, क्योंकि सीकर का पूर्वी हिस्सा अरावली में लग रहा है, ठीक है, क्लियर है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर तापमान की बात करें तो गर्मियों में 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में हम बात करें तो 10 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ का तापमान रहता है, ठीक है। तापमान से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं है, ठीक है, फिर भी आप चाहें तो इन डेटा को याद कर सकते हैं, क्या पता आगे एग्जाम में आए। उपाद्र जलवायु प्रदेश तीसरा है, सेमी जो हम होते हैं सब ह्यूमिड, ठीक है, उपाद्र जलवायु प्रदेश मतलब सब ह्यूमिड रीजन। अब इसकी हम बात करें तो ये अरावली पर्वत वाला क्षेत्र है लगभग, ठीक है, अरावली, अरावली का पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग तो कहाँ चला गया अर्ध शुष्क में, तो अरावली का पूर्वी भाग
इसके अलावा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी भाग जो अरावली का पूरा है उसी विस्तार पर ये शामिल है। वर्षा की मात्रा की बात करें तो यहाँ 50 से 70 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि 50 सेंटीमीटर से कम तो इधर हो रही है और ये जो जोन है ये 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा वाला है। ठीक है, क्लियर है। आगे हम इसमें बात करें कि यहाँ पर जो तापमान है गर्मियों में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ज्यादा क्यों कम क्यों आ रहा है तापमान? क्योंकि हिल स्टेशन है, मतलब अरावली थोड़ी ऊंची है और ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है, तो पहाड़ी प्रदेश है तो तापमान थोड़ा सा कम है गर्मियों में, और शीतकाल में तापमान 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। शीतकाल में भी ज्यादा क्यों आ रहा है तापमान? भाई कम आना चाहिए, हिल स्टेशन है। लेकिन सर्दियों में क्या हो रहा है भाई? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में तो बालू मिट्टी है जो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, इसलिए वहां तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा है। यहाँ पर तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक है ऊंचाई के हिसाब से, बाकी बालू मिट्टी तो यहाँ है नहीं, ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। ठीक है, इसके अलावा इस जलवायु प्रदेश में भी कुछ कुछ घास के मैदान जैसी वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जिले देखें तो जिले कुछ कुछ तो आ गए, कौन से? अरावली वाले जैसे जयपुर, अजमेर, सीकर, पाली, जालौर। ठीक है, कुछ जिले इसके अंतर्गत आ जाते हैं मैदानी वाले, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, जो पूर्वी मैदान है इसका एकदम उत्तर पूर्वी हिस्सा, इसके अलावा यहाँ पे आता है भीलवाड़ा, टोंक और सिरोही। ठीक है, इनके उत्तर पश्चिमी भाग इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखो इसकी शेप कैसी है, ऊपर तक जा रही है इस जगह तक, तो अरावली और अरावली का थोड़ा सा पूर्वी जो मैदानी है इसका कुछ कुछ हिस्सा उत्तर पूर्व वाला भी इसके अंदर शामिल होता है। अगला जलवायु प्रदेश है आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन। आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो औसत वर्षा होती है 70 से 90 सेंटीमीटर। ठीक है, 70 से 90 सेंटीमीटर। और हम बात करें तापमान, तो गर्मियों में तापमान 32 से 35। अब देखो यहाँ तापमान थोड़ा सा बढ़ गया, अरावली में 30 से 35 था, यहाँ क्या आ रहा है 32 से 35 आ रहा है। और सर्दियों में तापमान भी देखो थोड़ा और ज्यादा है, 18 से 25 डिग्री सेल्सियस है। इसके इस जलवायु प्रदेश में अगर वनस्पति की बात करें तो मानसूनी पतझड़ वन डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं, जो कि भारत के अधिकांश हिस्से पर पाए जाते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन मिलते हैं? मानसूनी पतझड़ वन, है ना, डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं इनको, वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आर्द्र जो है पतझड़ वन भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें जिले देखें तो इसके अंदर बूंदी, कोटा, इनका तो उत्तर पश्चिमी भाग आ गया। ठीक है, इसके अलावा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, दक्षिणी पूर्वी टोंक, यानी लगभग दक्षिणी राजस्थान, और इसके अलावा जो ये कोटा बूंदी है हाड़ौती का उत्तर पश्चिमी भाग इसके अंदर शामिल होता है। ठीक है, अगर हम इस मैप के अंदर देखें तो ये है रीजन नंबर 4, देख सकते हो आप, माही नदी का बेसिन इसका उत्तरी हिस्सा, और इसके अलावा देखो ये हाड़ौती का उत्तर पश्चिमी हिस्सा, और ये पूरा पूर्वी मैदान जो है वो इसके अंतर्गत शामिल है। औसत वर्षा कितनी हो रही है? 70 से 90 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे अगली हम बात करें, अगला आ गया सब पांचवा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन। इसकी हम बात करें तो औसत वर्षा 90 से 150 सेंटीमीटर होती है, 90 से 150 150 देखा जाए तो लगभग सिर्फ यहां पर सिरोही में माउंट आबू क्षेत्र में होती है, माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू क्षेत्र को छोड़ दो तो रीजन 4 के अंदर माउंट आबू नहीं आता सिरोही का, बाकी सारा क्षेत्र आता है। माउंट आबू किससे जुड़ता है? रीजन नंबर 5 से जुड़ता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात करें तो ये है रीजन नंबर 5, है ना, और 5 के अंदर यहाँ पर सिरोही का कुछ हिस्सा जो कि क्या है माउंट आबू वाला, जहां पे कितनी वर्षा हो रही है 150 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। अगर हम बात करें ये झालावाड़ रीजन की, तो झालावाड़ रीजन में लगभग 110 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग कोटा संभाग, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, और कंफ्यूजन नहीं है मतलब नेगेटिव मार्क्स नहीं है, क्लियरली। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर गर्मियों में तापमान 28 से 35 डिग्री सेल्सियस है ना, और ज्यादा क्यों गिर गया है? क्योंकि भाई यहाँ पर ये भी पठारी क्षेत्र है, ये भी थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है, औसत ऊंचाई 300 मीटर। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है
चांदबाड़ी 517 मीटर, ठीक है। तो ये जो है थोड़ी सी ऊंची है, 28 से 35 डिग्री सेल्सियस इसके तापमान है। सर्दियों में भी तापमान 10 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पाया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा का औसत क्या रहता है? सर्वाधिक रहता है, ठीक है। पूरे राजस्थान के जितने भी जलवायु प्रदेश है, सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर पाई जाती है। और यहाँ की वनस्पति किस प्रकार की है? सवाना प्रकार की। सवाना क्या होते हैं? घास के मैदान ही होते हैं। जैसे हमने देखा था स्टेपी क्या थे? घास के मैदान। लेकिन स्टेपी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान थे, और सवाना क्या होते हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। आप देख सकते हो ये क्षेत्र कहाँ है? कर्क रेखा के पास में स्थित है। तो यहाँ के गर्म स्थलों के जो घास के मैदान होते हैं उन्हें सवाना कहा जाता है। तो ये सवाना वनस्पति मिलती है। जिले देखो, बारा, झालावाड़ और कोटा, दक्षिणी पूर्वी कोटा आ गया, बूंदी उसमें चला गया, उत्तर पश्चिमी कोटा उसमें चला गया, और सिरोही का माउंट आबू क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये जलवायु प्रदेश जो है वो किसका था? ये मौसम विभाग का था। नंबर एक 25 सेंटीमीटर से कम, नंबर दो 50 सेंटीमीटर से कम, नंबर तीन 70 सेंटीमीटर, नंबर चार 90 सेंटीमीटर, और नंबर पांच लगभग 150 सेंटीमीटर तक। इसके अंदर जिले देखो, जैसलमेर, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी बीकानेर और पश्चिमी श्रीगंगानगर। सेकंड में देखो, श्रीगंगानगर का पूर्वी हिस्सा, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, और नीचे अगर आ जाओ तो बाड़मेर। फिर इसके अलावा इसके अंदर आ गए सीकर, झुंझुनू का पश्चिमी हिस्सा, नागौर का पश्चिमी हिस्सा, जालौर और पाली का पश्चिमी हिस्सा। फिर रीजन नंबर तीन के अंदर हम बात करें तो अरावली वाले जिले आ गए, जयपुर, अजमेर, है ना, सीकर, झुंझुनू का पूर्वी हिस्सा। ऊपर चले गए तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। नीचे आप आ रहे हो तो लगभग हम यहाँ बात कर सकते हैं जालौर, पाली तक। फिर रीजन नंबर फोर के अंदर कौन कौन आ गया? सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। इधर आ गए आपके बूंदी, कोटा, ठीक है। ये सारे किसके अंदर आ गए? रीजन नंबर फोर में, यानी कि आद्र के अंदर। और रीजन नंबर पांच इसके अंदर कौन कौन से आ गए? रीजन नंबर पांच के अंदर आ गए नीचे एकदम माही वाला हिस्सा, है ना, और इसके अलावा झालावाड़, बारा और कोटा का दक्षिणी हिस्सा, ठीक। इसके अलावा माउंट आबू, इसको हम बोलते हैं शुष्क, इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, सेमी एरिड। इसको बोलते हैं उप आद्र, सब ह्यूमिड। इसको बोलते हैं आद्र ह्यूमिड, और इसको बोलते हैं अति आद्र, वेरी ह्यूमिड, ठीक है। याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें आपको मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला जलवायु वर्गीकरण जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कोपेन का जलवायु विभाजन। कोपेन की हम बात करें तो कोपेन महोदय पूरे विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया था। ये एक जर्मन रशियन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, यानी कि जर्मन रूसी जो है एक जलवायुवेत्ता थे, और इन्होंने अपने 2-3 संशोधनों के साथ जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें से हम राजस्थान में इंप्लीमेंट करके उसको राजस्थान में 4 जलवायु प्रदेश बनाते हैं। देखो, मौसम विभाग ने 5 बनाए हैं, इसके अलावा कोपेन हो, चाहे थॉर्नथ्वेट हो, चाहे ट्रिवार्था हो, तीनों ने ही 4 जलवायु प्रदेश बनाए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, भौतिक प्रदेश भी आप देखोगे ना तो राजस्थान में भौतिक प्रदेश 4 ही है। कई जगह जो है किताबों में 5 लिखा रहता है, 5 नहीं है, 4 ही है, क्योंकि जो शुष्क जो हम देखते हैं मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 2 हिस्से किए गए, शुष्क और अर्ध शुष्क। वरना भौतिक प्रदेश तो वो क्या है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ही है। तो 4 ही भौतिक प्रदेश है, जलवायु प्रदेश 5 है मौसम विभाग के अनुसार। अगर एग्जाम में आपको पर्टिकुलरली ये नहीं लिखा हुआ मिले कि कोपेन का बताओ, थॉर्नथ्वेट का बताओ, ट्रिवार्था का बताओ, तो आपको जो सामान्य वर्गीकरण है मौसम विभाग वाला 5 वाला वही बताना है, ठीक है। तो 5 जलवायु प्रदेश है, और अगर हम बात करें कोपेन, थॉर्नथ्वेट और ट्रिवार्था की, तो इन्होंने 4 जलवायु प्रदेश जो है वो राजस्थान में बताए हैं, क्लियर है। अब इसमें हम बात करें तो इन्होंने 1918 में जो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उसके अकॉर्डिंग हम राजस्थान में 4 जलवायु प्रदेश मानते हैं, और इसके लिए इन्होंने अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षर, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का यूज किया था, जिनको मैं आपको वर्गीकरण के साथ ही बताते हुए चलूंगी। सबसे पहला है BWHW, कैपिटल बी का मतलब क्या होता है? शुष्क जलवायु,
ड्राई रीजन, ठीक है। शुष्क जलवायु का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां जितनी वर्षा होती है उससे ज्यादा वाष्पीकरण हो जाता है, ठीक है। वर्षा से ज्यादा अगर वाष्पीकरण हो तो जलवायु कैसी हो जाएगी, शुष्क। तो कैपिटल बी का मतलब होता है शुष्क जलवायु, ठीक है। अगला है कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, डेजर्ट क्लाइमेट, ठीक है। स्मॉल एच, स्मॉल एच का मतलब होता है गर्म जलवायु, हॉट क्लाइमेट, ठीक है। स्मॉल एच का मतलब होता है गर्म जलवायु। अब गर्म जलवायु का क्या क्राइटेरिया है कि औसत जो वार्षिक तापमान है, औसत वार्षिक तापमान, एवरेज एनुअल टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, गर्म जलवायु है। फिर हम बात करें स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या है, एक ऐसी जलवायु जहां वर्षा कब हो, ग्रीष्म ऋतु में हो, गर्मियों में वर्षा हो, और शीत ऋतु कैसी हो, शीत ऋतु शुष्क हो, सर्दियों में वर्षा कम हो या ना हो, ठीक है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में मानसून कब आता है, जून में, जून गर्मी का महीना है, ठीक है। तो यानी कि भारत की जलवायु कैसी रहेगी, स्मॉल डब्ल्यू वाली, कि वर्षा कब हो रही है, गर्मियों में हो रही है, और सर्दियां कैसी है, शुष्क है। तो वही राजस्थान में, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती जरूर है सर्दियों में, लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा कब होती है, मानसून में ही होती है। जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है तो वो पूरे सर्दियों की ऋतु में 2-3 मावट आती है बस, ठीक है। तो इन सब का मतलब ये होता है। अब हम राजस्थान में अगर उष्ण कटिबंधीय, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थल, ठीक है। कैसे, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है ये। और अगर हम देखें इसको नक्शे में, है ना, नक्शा में हर चीज का लेकर आएंगे बराबर, तो इसमें आप देखोगे ये बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू रीजन है। ध्यान से देखो एक बार इसको देखना, ये जो रीजन है इसका नाम है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ठीक है। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू जो है ये बेसिकली, इसके अंतर्गत आप नोटिस करोगे कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले भी शामिल हैं। जबकि हमने जो मौसम विभाग का वर्गीकरण देखा था तो उन्होंने जो शुष्क जलवायु मानी थी, सबसे पश्चिमी जलवायु मानी थी, मरुस्थलीय जलवायु मानी थी, उसके अंदर हनुमानगढ़ को शामिल नहीं किया था और श्री गंगानगर का मात्र पश्चिमी क्षेत्र शामिल किया था। और एग्जाम में लगभग यहीं पर स्टूडेंट्स को घुमाया जाता है, क्वेश्चन में सीधे से लिख देते हैं बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू के अंदर कौन कौन से जिले हैं, तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ तो अर्ध शुष्क के अंतर्गत आएंगे, तो स्टेपी के अंतर्गत आएंगे, लेकिन कोपेन ने इनको किसमें माना है, मरुस्थलीय जिला माना है, स्टेपी वाला नहीं माना है, ये आप दिमाग में बिठा के रखेंगे। तो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू के अंतर्गत देखो कौन कौन से जिले हैं, इसके अंतर्गत आ गए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी बीकानेर, इसके अंतर्गत बाड़मेर भी शामिल नहीं है। बाड़मेर देखा जाए तो लूनी जवाई बेसिन का हिस्सा है, तो देखा जाए तो वो क्या है, स्टेपी प्रदेश है, तो इन्होंने उसको स्टेपी में माना है। यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ को शामिल किया है और बाड़मेर को निकाल दिया है, ठीक है। तो इसको बहुत गौर से याद रखिएगा, एग्जाम में लगभग यहीं पर कंफ्यूजन होता है और स्टूडेंट्स को लगभग यहीं पर घुमाया जाता है, ठीक है। ये शुष्क क्षेत्र की जलवायु है, इसका प्रतिनिधि जिला, इन्होंने हर एक जलवायु का एक प्रतिनिधि जिला बताया है कि जो उस जलवायु को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है। तो इस जलवायु का मरुस्थलीय जो जलवायु है या शुष्क उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू है, इसका प्रतिनिधि जिला है बीकानेर, ठीक है। कौन सा है इसका रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट, बीकानेर है, ना कि जैसलमेर। एग्जाम में आपको जैसलमेर भी ऑप्शन में मिलेगा। इसका ब्रांड एम्बेसडर, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बीकानेर है, ना कि जैसलमेर है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें, इसमें वर्षा की मात्रा लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर हो रही है, वहां पे क्राइटेरिया 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। तो कुछ कुछ जो अंतर है ना उनको दिमाग में रख के चलेगा। गर्मियों में तापमान से जनरली क्वेश्चन नहीं आते, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, और सर्दियों में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक क्या है, तापांतर वाला क्षेत्र है। मरुस्थल का विस्तार अधिक है और कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। अगर हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो इन्होंने 3 चीजों को जलवायु वर्गीकरण का आधार माना था।
तापमान, टेम्परेचर, वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन, वर्षा और वर्षण में क्या अंतर होता है? वर्षा मतलब पानी की वर्षा है ना, और वर्षण का मतलब क्या होता है, जिसमें पानी की भी हो गई, ओलों की भी हो गई है ना, हिम की भी हो गई यानी स्नोफॉल भी हो गया, किसी भी रूप में चाहे सॉलिड चाहे लिक्विड चाहे गैस किसी भी रूप में पानी गिरे वो क्या होगा, वर्षा ही होगा। ठीक है, तो वर्षण, प्रेसिपिटेशन और तीसरा वनस्पति उस जगह की वेजिटेशन को इन्होंने जलवायु का आधार माना था। तो हर जलवायु के साथ उसकी वनस्पति जुड़ी हुई है। इस जलवायु की वनस्पति क्या है, मरुद्भिद वनस्पति है, ज़ेरोफाइट है, या कटीली झाड़ियां हम बोल सकते हैं है ना, स्क्रब्स यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, थॉर्नी श्रब्स यहाँ पाए जाते हैं। तो BWSW हो गया पहला जलवायु प्रदेश। दूसरा हम बात करें, अगला है BSHW यानी अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। क्या बोलते हैं इसको, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। और इस प्रकार की विशेषताओं वाला जलवायु प्रदेश क्या है, अर्ध शुष्क है। वर्षा की मात्रा कितनी है, 20 से 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर वाला क्राइटेरिया नहीं है, 20 से 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं, देखो बाड़मेर, जालौर, पाली, फिर आ गया जोधपुर, नागौर यानी कि लगभग लूनी जवाई बेसिन पूरा आ गया, फिर देखो चूरू, सीकर और झुंझुनू यानी शेखावाटी आ गया, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, घग्गर प्रदेश कहाँ चला गया, मरुस्थलीय प्रदेश में चला गया। तो इसके अलावा यहाँ पे आया शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूनी जवाई बेसिन इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नागौर है। कौन है ब्रांड एम्बेसडर, नागौर है। और इस जलवायु प्रदेश में कैसी वनस्पति मिलेगी, स्टेपी यानी घास के मैदान मिलेंगे। तो अगर हम इसको नक्शे पर देखें, तो नक्शे पर ये देखो, ये पूरा जलवायु प्रदेश कौन सा है, स्टेपी जलवायु प्रदेश है, और इसको बोलते हैं BSHW। यहाँ पे कैपिटल बी का मतलब हम पहले ही देख चुके हैं है ना, स्मॉल कैपिटल एस का मतलब होता है स्टेपी प्रकार की जलवायु, स्टेपी जलवायु। ठीक है, कैपिटल बी का मतलब क्या था, शुष्क जलवायु है ना, ड्राई क्लाइमेट, जहां वर्षा से ज्यादा क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। स्मॉल एच का मतलब क्या था, गर्म जलवायु, हॉट क्लाइमेट, जहां पे औसत वार्षिक तापमान, पूरे वर्ष का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या था, विंटर ड्राई, समर रेन यानी गर्मियों में वर्षा हो और सर्दियां कैसी हो, शुष्क हो। तो ये BSHW है, इसका प्रतिनिधि जिला, ब्रांड एम्बेसडर नागौर। अगला जलवायु प्रदेश है CWG, इसको बोलते हैं उपाद्र या शुष्क शीत जलवायु। ठीक है, और इस प्रकार की विशेषताओं वाला जलवायु प्रदेश किन किन जिलों में मिलेगा, देखो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, बूंदी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बारा। ठीक है, इस जलवायु प्रदेश का विस्तार जनरली बनास, बाणगंगा बेसिन बोल सकते हैं और अरावली के जिले बोल सकते हैं। वर्षा की मात्रा कितनी है, 60 से 80 सेंटीमीटर, कितनी, 60 से 80 सेंटीमीटर है, और गर्मियों में तापमान 30 से 35, सर्दियों में तापमान 13 से 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पाया जाता है। प्रतिनिधि जिला कौन है, टोंक है, और इसमें मानसूनी पतझड़ वन, कैसे मानसूनी पतझड़ वन, स्टेपी में तो स्टेपी मिलेंगे घास के मैदान, और यहाँ पे क्या मिलते हैं, मानसून डेसिडुअस फॉरेस्ट, मानसूनी पतझड़ वन यहाँ पाए जाते हैं। तो CWG क्लाइमेट, ये देखो ये है, इसे क्या बोलते हैं, CWG। इसके अंदर देखो दक्षिणी अरावली नहीं है, सिर्फ भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़ तक का ही शामिल है जिला, कोटा बारा शामिल है ना, कोटा बूंदी, और इसके अलावा यहाँ देखें तो पूरा पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बनास, बाणगंगा का बेसिन आ गया, वो इसके अंतर्गत शामिल है। बनास के 6 जिले है ना, और इसके अलावा बाणगंगा वाला जो रीजन है वो इसके अंतर्गत शामिल है, जयपुर है ना, बूंदी वाला, और जयपुर, दौसा, भरतपुर वाला। इस CWG का मतलब क्या होता है, देखो कैपिटल सी का मतलब होता है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या है कैपिटल सी का मतलब, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी कि टेम्परेट क्लाइमेट, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु टेम्परेट क्लाइमेट है, जहां पे सर्दियों में तापमान कम और गर्मियों में तापमान ज्यादा रहता है। ठीक है, कैपिटल सी। अब देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा से जाती है कर्क रेखा, तो उसके ऊपर आ रहा है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अब इसको शुष्क में तो रख नहीं सकते, क्योंकि एक तो नदियों वाला क्षेत्र है और वर्षा भी क्या क्या हो रही है, थोड़ी ज्यादा हो रही है, कितनी हो रही है, 60 से 80 सेंटीमीटर हो रही है। तो CWG क्या है, थोड़ा सा बेटर है।
फिर हम बात करें स्मॉल डब्ल्यू का, मतलब हम देख ही चुके हैं कि गर्मियों में वर्षा हो और सर्दियां शुष्क हो। स्मॉल जी का मतलब क्या है? स्मॉल जी का मतलब होता है नदियों द्वारा निर्मित मैदान। ठीक है, यानी ये एक ऐसी जलवायु होती है जहां की जलवायु नदियों के जल के कारण क्या होती है, प्रभावित होती है। स्मॉल जी का रेफरेंस अगर हम देखें तो गंगा के मैदान से लिया गया है। गंगा के मैदान के लिए स्पेशली स्मॉल जी प्रकार की जलवायु कोपेन ने दर्शाई थी। तो स्मॉल जी का मतलब होता है जो जलवायु प्रदेश नदियों के जल से प्रभावित है। और पूर्वी मैदानी जो हिस्सा है राजस्थान का, वो जनरली हम क्या बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का ही विस्तारित भाग है। तो स्मॉल जी क्या हो गया, नदियों द्वारा निर्मित जलवायु हो गई है। ठीक है, और स्मॉल डब्ल्यू हमने देख लिया, तो ये सी डब्ल्यू जी क्लाइमेट है। चौथा और लास्ट जो है वो है कैपिटल ए, ये स्मॉल डब्ल्यू है, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, कैपिटल ए स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु और इसके अंदर आर्द्रता अधिक रहती है, सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश मौसम विभाग ने इसको बोला था। और ये जो मिलती है, डूंगरपुर हो गया दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा हो गया, इसके अलावा प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और सिरोही जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें वर्षा की मात्रा कितनी है, 80 से 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस जलवायु प्रदेश में जो तापमान है गर्मियों में 30 से 34 और सर्दियों में बात करें तो 12 से 15 है। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, डूंगरपुर है। और यहाँ किस प्रकार के वृक्ष मिल रहे हैं, मानसूनी और सदाबहार प्रकार के वृक्ष मिल रहे हैं। अगर हम बात करें एग्जाम में क्वेश्चन की, तो सबसे ज्यादा कोपेन से प्रश्न आते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो लास्ट जो है वो है कैपिटल ए स्मॉल डब्ल्यू, है ना। बेसिकली इसको सवाना प्रकार की जलवायु भी कहते हैं, है ना, कैपिटल ए स्मॉल डब्ल्यू, या हम बोल सकते हैं सवाना प्रकार की जलवायु। इस जलवायु के अंतर्गत कैपिटल ए का मतलब क्या होता है, कैपिटल ए का मतलब है उष्णकटिबंधीय जलवायु और स्मॉल डब्ल्यू का मतलब आपको पता ही है, स्मॉल डब्ल्यू गर्मियों में वर्षा सर्दियों में शुष्कता। कैपिटल ए उष्णकटिबंधीय जलवायु, तो ये देख सकते हो ये रीजन जो है कर्क रेखा के पास वाला है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसमें जनरली औसत मासिक तापमान क्या होता है, औसत मासिक तापमान यानी हर महीने का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है, यानी सर्दियों में भी तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। स्मॉल एच यानी कि गर्म जलवायु का मतलब क्या था, औसत वार्षिक तापमान, पूरे वर्ष का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, यानी पूरे वर्ष का औसत निकालो तो किसी किसी महीने में मान लो 10 डिग्री सेल्सियस भी हो गया और गर्मियों में 40 हो गया, तो औसत 18 से ज्यादा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं औसत मासिक तापमान यानी हर महीने का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो ये गर्म जलवायु है, या हम बोल सकते हैं ऐसी जलवायु है जहां पे ठंडी नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर आप कभी भी कोटा झालावाड़ साइड चले जाओगे तो आप महसूस करोगे वहां वाकई में ठंड नहीं पड़ती है। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में ठंड नहीं पड़ती है क्योंकि सूर्य की किरणें लगभग सीधी यहाँ पे पड़ती हैं। तो ये हो गए देखो चार जलवायु प्रदेश, सबसे पहला हो गया BWHW। ठीक है, BWHW में औसत वर्षा कितनी हो रही थी, 10 से 20 सेंटीमीटर, और इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा था, बीकानेर, कौन सा था, बीकानेर। ठीक, फिर ये आ गई BSHW, राजस्थान का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कोपेन के अनुसार किस जलवायु प्रदेश में है, BSHW में है। यहाँ औसत वर्षा कितनी थी, 20 से 40 सेंटीमीटर, और प्रतिनिधि जिला क्या था, नागौर था, नागौर। ठीक, फिर आगे हम बात करें, अगला है CWG, इसके अंतर्गत राजस्थान का पूर्वी मैदानी हिस्सा आ गया, औसत वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर, प्रतिनिधि जिला टोंक। और लास्ट है कैपिटल ए स्मॉल डब्ल्यू, इसके अंदर औसत वर्षा 80 से 90 सेंटीमीटर और प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर। ठीक है, तो याद हो जाएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप इस चैनल के नाम से टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगला वर्गीकरण है थॉर्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण, और थॉर्नथ्वेट की बात करें तो इनका जलवायु जो वर्गीकरण है वो काफी क्लिष्ट है अकेडमिक पर्पस से। बेसिकली इनका जो जलवायु वर्गीकरण था वो कृषि
प्रयोग की दृष्टि से काफी अच्छा था क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वर्गीकरण किया है। बट एनीवे राजस्थान में इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि राजस्थान में सिर्फ 4 ही जलवायु प्रदेश इन्होंने बताए हैं। इनका एक पैटर्न मैं आपको बताना चाहूंगी, इन्होंने भी वही सारी चीजें मानी है, तापमान है ना, वर्षा, वनस्पति। इसके साथ इन्होंने एक चीज और मानी है जिसे हम बोलते हैं वाष्पीकरण। इन्होंने कौन कौन से चीजें ली है, शामिल की है तापमान, ठीक है, वर्षण, वाष्पीकरण और वनस्पति। ठीक है, वर्षण और वाष्पीकरण इन दोनों को मिला के इन्होंने बोला है इसे इवैपोट्रांसपिरेशन, इवैपोट्रांसपिरेशन, ठीक है, इसे बोलते हैं वर्षण वाष्पीकरण। ठीक है, इसको इन्होंने ध्यान में रखा है, तो इन्होंने वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखा है जब इन्होंने जलवायु विभाजन किया है। तो ये कोपेन से ज्यादा मान्य है, ज्यादा जो है एक्सेप्टेबल है, लेकिन अकेडमिक पर्पस से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कृषि कार्यों की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसमें इन्होंने भी वही जो है यूज किए हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। इन्होंने दो चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है, जो एक चीज है इनकी ए बी सी डी ई, इस तरीके से चलती है इनकी एक सीरीज। एक चलती है ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश। जो नॉर्मल वाली जो सीरीज है उनकी, ये बताती है तापमान को, इसको बताती है टेम्परेचर को, यानी कि तापमान को। और तापमान जो है ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता जाता है, क्या है, बढ़ता जाता है। और हम बात करें ये जो सीरीज है इनकी, ये बताती है वर्षण को, और वर्षण भी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है, यानी ए में सबसे कम वर्षा और ई में सबसे ज्यादा, ए डैश में सबसे कम, ई डैश में सबसे ज्यादा। और तापमान की बात करें तो ए में सबसे कम तापमान, ई में सबसे ज्यादा तापमान। क्लियर है, अब इसके बाद आपको इनका वर्गीकरण समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने कोपेन का वर्गीकरण समझ लिया तो बाकी सारे वर्गीकरण आपके लिए आसान है। 4 जलवायु प्रदेश इन्होंने बनाए हैं, पहला है सी ए डैश डब्ल्यू, फिर डी ए डैश डब्ल्यू, डी बी डैश डब्ल्यू, ई ए डैश डब्ल्यू। अब इसमें आप देखो, तापमान की हमने बात की थी ए बी सी डी ई, तो राजस्थान में ए और बी तापमान तो है ही नहीं, क्योंकि ना तो ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है राजस्थान में, कि ऐसी जलवायु हो जहां हमेशा बर्फ जमी रहती हो। राजस्थान में इनफैक्ट ऐसा कोई रीजन नहीं है जहां बर्फ जमी रहती हो कभी भी। ठीक है, फिर दूसरी चीज सी बी, यहाँ पे क्या है, डी भी नहीं है, क्योंकि ऐसी क्षेत्र भी नहीं है जहां पे कभी भी बर्फ जमी रहती हो। ई तो होता है जहां हमेशा बर्फ जमी रहती हो, डी मतलब जहां सर्दियों में बर्फ जमी रहती हो। तो राजस्थान में ऐसी दोनों ही जलवायु नहीं है, तो राजस्थान में उच्च तापमान वाली जलवायु है सी डी ई। ठीक है, वर्षा की बात करें तो राजस्थान जनरली शुष्क जलवायु वाला प्रदेश है, या इनफैक्ट पूरे राजस्थान को ही शुष्क माना जाता है। तो यहाँ पे आप देखो ज्यादा से ज्यादा ए डैश और बी डैश मिल रहा है, सी डैश, डी डैश, ई डैश जितनी वर्षा यहाँ पे नहीं हो रही, तो ए डैश और बी डैश राजस्थान में मिलेंगे। एग्जाम में एक दो ऑप्शन आपको जो है अलग से मिलते हैं, तो उनको आप इस समझ के साथ भी इलिमिनेट कर सकते हो। कभी कभी थॉर्न ट्वीट का पूछा जाता है, बहुत ही रेयर कंडीशन में। ठीक है, और यहाँ पे सारी जलवायु स्मॉल डब्ल्यू प्रकार की है। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब आपको वही है जो कोपेन में था, कि सर्दियों में क्या होती है शुष्कता और गर्मियों में वर्षा होती है। स्मॉल डी का मतलब होता है एक ऐसी जलवायु जहां पे जल का अभाव हो। ठीक है, जहां पे जल बहुत ही ज्यादा कम हो, वाष्पीकरण बहुत ही ज्यादा हो रहा हो, जल की कमी हो, तो स्मॉल डी प्रकार की जलवायु राजस्थान में मिलती है। अब इनको हम जरा समझ लेते हैं नक्शे की सहायता से। सबसे पहली जलवायु है सी ए डैश डब्ल्यू। सी ए डैश डब्ल्यू को अगर हम मैप पर देखेंगे तो ये कहां मिल रही है, एकदम दक्षिण में है ना। सी ए डैश डब्ल्यू, सी का मतलब क्या है, तापमान, ए डैश का मतलब क्या है, वर्षण, और स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या है, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है वर्षा गर्मियों में। तो सी ए डैश डब्ल्यू प्रकार की जलवायु यहां पर मिल रही है ना। इसमें हम बात करें आद्र और शुष्क, आद्र शुष्क जलवायु, इस प्रदेश में कौन कौन से जिले आएंगे, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़। ठीक है, तो इसमें हम बात करें तो यहाँ वर्षा कैसी है, ग्रीष्म ऋतु में होती है, और सर्दियां कैसी रहती हैं, सूखी रहती हैं, शुष्क रहती हैं। फिर हम बात करें यहाँ पर सवाना और मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इससे अगर हम
बात करें तो यहाँ पर जो है ज्यादा क्वेश्चन कैसे बनेंगे, या तो जीरो पर बनेंगे कि सी ए डैश डब्ल्यू में कैसी हमें मिल रही है, कहाँ पे, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको एक बार, एक सेकेंड, थोड़ा सा अपन ने गड़बड़ कर लिया है, एक कहाँ चलेगा, ये तो हो गया आपकी वर्षण, ठीक है। और यहां पे वर्षण ऊपर से नीचे की ओर घट रहा है, और ये है तापमान। ये है तापमान, ठीक है। इसमें हम बात करें तो वर्षण नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है और तापमान नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। मुझे कौन सा याद रह गया, कोपेन का याद रह गया। कोपेन में ए से ही आता है तो तापमान क्या होता है, घटता जाता है। यहाँ पे भी जो है वर्षण घटता जा रहा है, तापमान घटता जा रहा है, नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, सी ए डैश डब्ल्यू, सी ए डैश डब्ल्यू, सी ए डैश डब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु है वह कहाँ मिल रही है, बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में मिल रही है हमको। यानी तापमान जो है बिल्कुल, जो वर्षा जो है वो मध्यम स्तर की, राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है ये। फिर ए डैश यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा तापमान वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। जैसे हमने बात की ए डैश कहाँ आ गया, ए डैश में तापमान है और ए वाले में वर्षा है। तापमान क्या है, सबसे ज्यादा होगा ए डैश में और वर्षा सबसे कम होगी ई में, ठीक है। ए और बी प्रकार की वर्षा तो राजस्थान में मिलती नहीं है, सी डी ई प्रकार की वर्षा मिलती है। और तापमान की बात करें तो राजस्थान में जो है ए डैश बी डैश प्रकार का तापमान मिलता है, ठंडे जो है तापमान राजस्थान में नहीं मिलते हैं। तो पहला हो गया ये है सी ए डैश डब्ल्यू। और इससे जो क्वेश्चन आता है मेनली वो ये आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल थॉर्नथ्वेट के अनुसार किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत है, तो ये दूसरा जलवायु प्रदेश आ जाता है डी ए डैश डब्ल्यू। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल डी ए डैश डब्ल्यू प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, जो कि कौन सी है, दूसरी जलवायु। ये कौन सी है, उष्ण आद्र या अर्ध उष्ण शुष्क जलवायु। यहाँ पे अधिकांश भाग किसका आता है, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सिरोही, जालौर, पाली, अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर, झुंझुनू का दक्षिणी भाग, ठीक है। लगभग राजस्थान के अधिकांश जिले इसके अंतर्गत आते हैं जो मध्य में स्थित है। और जलवायु प्रदेश गर्मियों में तापमान ऊंचा रहता है और वर्षा जो होती है वो लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर रहती है। अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति यानी वही स्टेपी प्रकार की जलवायु ये है। तो ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किसके अंतर्गत आता है, डी ए डैश डब्ल्यू के अंतर्गत आता है। फिर पश्चिमी हिस्सा लगभग इसके अंतर्गत जैसलमेर है और पश्चिमी बीकानेर है, इसे बोलते हैं ई ए डैश डी, यानी सबसे कम यहां पर क्या हो रही है, वर्षा हो रही है और सबसे ज्यादा तापमान यहाँ पे मिल रहा है ई ए डैश। और स्मॉल डी का मतलब मैंने बताया था जल की कमी, जहां वाष्पीकरण भी बहुत ज्यादा हो, ठीक। तो ई ए डैश डी अगला है, अच्छा इसके अंदर डी बी डैश डब्ल्यू है, अपन पहले ई ए डैश डी देख लेते हैं। ये है ई ए डैश डी और इसके अंतर्गत आएगा पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर और दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर। वर्षा अगर देखो मात्र 10 से 15 सेंटीमीटर यहां मिल रही है और मरुस्थलीय वनस्पति मिल रही है जहां जलवायु अत्यंत गर्म और शुष्क है, ठीक है। इसके अलावा जो इससे पहले हमारा रह गया वो है डी बी डैश डब्ल्यू, एकदम उत्तरी वाला, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, और ये जो है यहाँ पे कटीली झाड़ियां और आर्द्र मरुस्थलीय वनस्पति यानी कि वही स्टेपी प्रकार की जलवायु यहाँ मिलती है। तो ये चार जलवायु प्रदेश इन्होंने बताए हैं, ये है देखो डी बी डैश डब्ल्यू, ठीक। तो ये थॉर्नथ्वेट का वर्गीकरण है। थॉर्नथ्वेट के वर्गीकरण से या तो जिले पूछे जाते हैं, तो दक्षिणी जिले किसके अंतर्गत आ गए, सी ए डैश डब्ल्यू के अंतर्गत आ गए। पश्चिमी जिले ई ए डैश डी के अंतर्गत आ गए। उत्तरी जिले डी बी डैश डब्ल्यू के अंतर्गत आ गए। और जो मध्य हिस्सा है वो डी ए डैश डब्ल्यू के अंतर्गत आ गए। सबसे कम वर्षा कहां पर होगी, पश्चिमी हिस्से में, तो कैपिटल ई। उसके बाकी सारों में इधर थोड़ी एवरेज हो रही है तो डी, और सबसे ज्यादा हो रही है दक्षिणी राजस्थान में तो सी, ठीक है। तापमान की बात करें तो सब जगह ए डैश ए डैश ए डैश, यानी जनरली पूरा राजस्थान कैसा है, गर्म है। अगर हम बात करें कि राजस्थान में सबसे कम तापमान कहां मिलता है, तो राजस्थान में सबसे कम तापमान मिलता है सबसे उत्तरी जिलों में, जहां सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी पड़ती हैं
और वो कहाँ पड़ती है, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। तो यहाँ पे मिलेगा बी डैश प्रकार की जलवायु श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में, बाकी सब जगह ए डैश तापमान है। और स्मॉल डब्ल्यू है ज्यादातर जगह, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है गर्मियों में वर्षा, और डी का मतलब क्या है, जल की बहुत ज्यादा कमी। ठीक है, तो ये जो है तीन इन्होंने चारों जो है प्रदेश बनाए हैं। अगला है त्रिवार्था का, और त्रिवार्था के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो त्रिवार्था का वर्गीकरण ऑलमोस्ट कोपेन का वर्गीकरण है, सिर्फ सिंबल्स में थोड़ा बहुत हेर फेर है। त्रिवार्था ने कोपेन के जलवायु प्रदूषण के प्रदेशों के वर्गीकरण में ही संशोधन किया और वर्षा की मात्रा और वनस्पति के आधार पर प्रदेशों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। बेसिकली कोपेन का जो वर्गीकरण था, इन्होंने कहा कि ये भी बहुत ज्यादा कठिन है, तो बस उसको आसान किया था इन्होंने, तो ऑलमोस्ट कोपेन का ही वर्गीकरण है। पर लेकिन कोपेन और इसमें देखा जाए तो बस थोड़े से नॉमेनक्लेचर अलग है, वही चार जलवायु प्रदेश है। आप देख सकते हो मरुस्थलीय को वहां इन्होंने BWSW बोला था, इन्होंने सिर्फ BWH बोला है। उन्होंने स्टेपी को BSSW बोला था, इन्होंने सिर्फ BSH बोला है, है ना। जो सवाना प्रकार की जलवायु थी झालावाड़ साइड वाली, उसको उन्होंने AW बोला था, इन्होंने भी AW बोला है। और उन्होंने इस जलवायु को CWG बोला था, इन्होंने CAW बोला है, जो पूर्वी मैदानी जलवायु है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं इनका जलवायु वर्गीकरण भी। इनके में आप देखोगे कि जो भारतीय मौसम विभाग का है वही वर्गीकरण है। इन्होंने जो BWH है इसके अंतर्गत श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को शामिल नहीं किया है, सिर्फ किसको किया हुआ है इन्होंने, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को ना करके जैसलमेर बीकानेर और बाड़मेर को किया हुआ है BWH। ठीक है, जैसलमेर आ गया, थोड़ा सा जोधपुर आ गया, बीकानेर और बाड़मेर, इन्होंने श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ को BWH में नहीं माना, इनको लगा कि इसमें संशोधन की जरूरत है। तो ये है इनके अंदर सर्वाधिक जलवायु प्रदेश कौन सा है, सबसे बड़ा BSH है, स्टेपी जलवायु प्रदेश सबसे ज्यादा है। कोपेन के अनुसार भी BSSW सर्वाधिक थी और इनके अनुसार भी BSSW सबसे ज्यादा पाई जाती है। जबकि हम थॉर्नफेट की बात करें तो थॉर्नफेट के में DA-W जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिर हम बात कर रहे थे, ये आ गया, ये है CAW, इसको ये CAW बोलते हैं, और ये है AW। AW के अंतर्गत भी इन्होंने क्षेत्रफल को थोड़ा सा बढ़ाया है, थोड़ा सा भीलवाड़ा, थोड़ा चित्तौड़गढ़, थोड़ा सा राजसमंद भी इसके अंतर्गत इन्होंने शामिल किया है। तो थोड़े से सिर्फ क्षेत्र का अंतर है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले है AW जो सबसे दक्षिणी वाला था, इसके अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़ा, झालावाड़, इसका जो क्षेत्रफल है इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है कोपेन के मुकाबले। और इसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु पाई जाती है, वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर, वो कितनी बोल रहे थे 80 से 90 सेंटीमीटर, और त्रिवार्था बोल रहे हैं 100 सेंटीमीटर, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस औसत रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन्होंने बस क्षेत्रफल में अंतर किया है, थोड़ा सा नाम में परिवर्तन किया है। BSH की बात करें तो वो स्टेपी है, कौन कौन से आ गए इसके अंदर, देखो गंगानगर है ना, इसके अलावा हनुमानगढ़, इसके अलावा बीकानेर, बाड़मेर, ये तो चलो लाजमी है, इन्होंने उदयपुर, राजसमंद और सिरोही को भी इसमें शामिल किया है। तो ये जो है इसमें इन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया है, यही वजह कि BSH बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है कोपेन के मुकाबले। स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, स्टेपी जलवायु है। अगला है BWH मरुस्थलीय जलवायु, तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर आते हैं, इसके अंदर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को इन्होंने बाहर कर दिया है और यहाँ पे मरुस्थलीय जलवायु मिलेगी। और लास्ट है अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु, जो कि कहाँ मिल रही है, हाड़ौती में, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, टोंक और अलवर, इन्होंने कुछ पूर्वी मैदानी हिस्से भी इसके अंतर्गत शामिल किए हैं। तो उष्ण आर्द्र जलवायु जो प्रदेश है इसको थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया है, यानी कि ये है CAW। ठीक, और इसके अंतर्गत हम बात करें, यहाँ वर्षा थोड़ी कम होती है लेकिन चक्रवाती वर्षा होती है। ठीक है, तो ये इन्होंने त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण था। उम्मीद करती हूँ जलवायु वर्गीकरण आपको समझ में आ गए होंगे। त्रिवार्था से क्वेश्चन नहीं आते, कोपेन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, थॉर्नफेट की बात करूं तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन बनता है, बाकी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते। तो ये जलवायु प्रदेश लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्निकल रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। थॉर्नफेट वाला जो पहले स्टार्टिंग में कंफ्यूजन था वो मैंने आपको दोबारा बाद में क्लियर कर दिया है, है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी उसमें। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था ABCDE वाली जो सीरीज है वो वर्षा की है, A-B-वाली किसकी है, तापमान की है,
ए बी सी डी ई वाली और तापमान वाली दोनों में ही ऊपर से नीचे की ओर तापमान और वर्षा घटती है, ठीक है। तो ये अपने को याद रहेगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो जरूर से इनको लाइक एंड शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के रखें जिससे नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।